चौथी डिलीवरी, पांचवी डिलीवरी घुमा दिया है ना मनोजा ने, मिड ऑन के ऊपर से छक्का और मैसिव हिट। आप ऑन हिज जोन, लुक एट द बेस्ट स्विंग, फैंटास्टिक, व्हाट अ शॉट मनोजा। मैथ्यू होगार्ट थोड़ा ज्यादा स्विंग करने के चक्कर में थोड़ा लेग स्टंप पे डाल दिए और आगे डाल दिए और इन्होंने घुमा दिया है छह रनों के लिए। मैथ्यू होगार्ट खुश नहीं दिख लग रहे अपने आप से। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट ऑन द लेग साइड। ओह ये आउट हो गया, लवली बॉल। पहला बॉल अंदर आया, दूसरा बॉल थोड़ा सा बाहर निया। वसीम जाफर थोड़ा सा खेल दिया, दूर हो गए, लेकिन थोड़ा उनकी शॉट खेलना, अगर वो कवर्स की तरफ खेलने गए, लेकिन मूवमेंट अच्छी हो गई और कॉट बिहाइंड हो गए। फैंटास्टिक बॉल गोइंग आउट। पहले दो बॉल गेंदे, पहले एक बॉल अंदर डाली थी। दैट्स बद्रीनाथ साइड बॉटम की बॉलिंग पर आउट दिए गए हैं। अंपायर डीआरएस ले लिया, पिचिंग ऑन द लाइन, हिटिंग मिडल, एस आउट एंड दैट्स आउट। बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर शुभदा भोसले द्वारा, वेरी गुड डिसीजन। और इंडिया महाराजाज ने दिलशान को बैटिंग करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट अ बैट्समैन, फैंटास्टिक। और ये ऊपर डाली गेंद रायन साइड बॉटम ने, और ये ऊपर से मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया नमन ओझा ने चार रनों के लिए। बहुत ही आवश्यक था ये चार रन। जी बिल्कुल, नमन ओझा अपने कंधे खोल रहे हैं अब। बहुत ही शानदार शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, चौका। टाइमिंग देखें आप, लाजवाब, ब्यूटीफुल टाइम। और बॉलिंग चेंज इमरान ताहिर, पहली बॉल लेग स्टंप पे सबको बीट किया है। बैट्समैन फ्लिक करना चाहते थे लेकिन वाइड हुआ है और बीट विकेट कीपर बीट। जी यही मुश्किल होगी ना, जब प्लेयरों ने काफी वक्त से नहीं खेला तो हेड इन थोड़े थोड़े स्लो रह गए गेंद पकड़ने के लिए। शानदार शॉट, क्या शॉट मारा है नमन ओझा, जिस तरीके की गेंद डाली, शॉट थी और परफेक्ट पोजीशन में आके। तो उसमें क्या होगा, रिस्क ज्यादा मिलता है। इस बार कैफ ने बल्ले का मुंह खोल कर चौका वसूल कर लिया। डाली और ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर, जिसको टैप करें या लेंथ पे डालना है, मिक्स करनी है अपनी बॉलिंग। और बहुत ही बढ़िया शॉट, देखिए जी अपने पैरों का इस्तेमाल जिस तरीके से इन्होंने किया है ना, लाजवाब। और उनके सर की पोजीशन भी आप देखें, एकदम लाइन में। व्हाट अ शॉट, लास्ट बॉल पे बहुत ही लंबा छक्का मारा है नमन ओझा ने। और ये लास्ट ओवर का छक्का जो नमन ओझा, और ये शॉर्ट बॉल कट कर दिया है नमन ओझा ने चार रनों के लिए। देखने के को मिलेगा, आई होप मैंने जल्दी बता नहीं दिया, क्योंकि कल हम जब किसी बैट्समैन की ओहो, क्या बात है जी, इसको कहते हैं छक्का। एफ ने क्विक ऑन द फुट पोजीशन किया और पुल कर दिया है छह रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, छोटे बच्चे भी मैच का लुफ्त उठाते हुए। T20 के लास्ट बॉल, और इस बार शानदार चौका। 10 ओवर की समाप्ति पर 80 पे 2। और ये पिछले ओवर की कट मार के बाउंड्री इमरान दायन के बॉलिंग पर, बहुत ही अच्छा शॉट।
ले जी चार और मेरे नमन ओझा को, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त नमन ओझा, बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और लीजिए लगातार बाउंड्रियां, छक्का, इस बार तो छक्का मार दिया सेबी की गेंद पर, बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं नमन ओझा। ओवर में उन्होंने नमन ओझा की कैच जो ट्राई कर रहे थे, और ये परफेक्ट शॉट, ट्रांसफर ऑफ वेट और पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। ओहो क्या बात है, नमन ओझा ने इस गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। इतने डोसाइल लगते हैं लेकिन है नहीं, लंबे लंबे शॉट्स मार रहे हैं, बहुत अच्छे टच पे रहे हैं। ये बॉल थोड़ा ये रहा तो पहला सिक्स और ये दूसरा सिक्स, दोनों छक्के, बहुत ही बढ़िया शॉट। इसके पहली वाली गेंद भी मारना चाह रहे थे लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, दोनों बैट्समैन खुश और आज वही कर रहे हैं ओझा के साथ। अगर जब मौका मिलता है तो ऐसे भी शॉट मार सकते हैं कैफ, बहुत ही बढ़िया शॉट था। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थप्पड़ मार दिया है ओवर द मिड ऑन 6 रनों के लिए। मगर आखिरी गेंद पर चौका खा गए केविन ओब्रायन, खूबसूरत चौका ओझा ने मारा, वर्ल्ड जायंट्स 118/2। अभी हम बोल रहे थे कि कैफ अपने कांधे खोलेंगे और शॉर्ट बॉल, और उन्होंने छक्का मार दिया है मिड विकेट। जी टाइमिंग तो है ना कैफ के पास, मगर ये ताकत वाला शॉट, वाह देखिए जिस तरीके से बल्ले का इस्तेमाल करेगा। 4 रन लिखे होने चाहिए इस गेंद पर। जी हाँ, सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद मारनी थी और वही किया। फुर्ती से बल्ले का मुंह खोला इन्होंने, पर जैसे लगा ना बल्ले पे उनको पता था चौका मिलेगा। और लगातार बाउंड्रियां, वाह नमन ओझा 146 दो विकेट के नुकसान पर खड़े हैं। ये थी आखिरी गेंद आखिरी ओवर की, नमन ओझा ने सामने क्या लाजवाब छक्का मारा। एलबी मोरकल चाह तो रहे थे जड़ में डालना गेंद को, अगर जहां छोटी गेंद पर तो ये बिल्कुल सोच नहीं लगाते कि उसको कैसे खेलना चाहिए, जिस तरीके से बल्ला फेंकते हैं ना वो 4 या 6 में ही तब्दील होता है। जी बिल्कुल, और उनको दिमाग में पता है कि फील्डर थोड़ा पॉइंट का पीछे है तो थोड़ा देर से अगर मार खेली थी बाहरी किनारा, 4 रन की आवश्यकता थी और 4 रन मिलते हुए पहला शतक हाउस एट लेजेंड्स लीग क्रिकेट का नमन ओझा के नाम। क्या 100 बनाए रन बनाए हैं नमन ओझा ने, सब उनके टीम फ्रेंड्स यूसुफ पठान बहुत ही खुशी हो रही है, और सब फैंस इसीलिए आए हैं अपने हीरोज लेजेंड्स को देखने के लिए। छह रनों के साथ समाप्ति होगी इस ओवर की, एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ वर्ल्ड जायंट्स के लिए 163/2। खेलने में बड़ा मजा आता है। 4 रन और यहां पर नमन ओझा के लिए, खराब गेंद राइन साइड बॉटम से।
एकदम तोहफा दे दिया साइड बॉटम ने, खिंची हुई गेंद लेग साइड पे नमन हो जाने का शुक्रिया जी। बहुत मेहनत लगेगी ये बॉल रोकने में, रुकेगी नहीं, बोर्ड को जाके ही रुकेगी और चार रन उस पे लिखे हुए जी। लगातार चौके शॉट मारा है, ऐसा लगा जैसे कोई टेनिस का शॉट मारा है इन्होंने, फ्लैट बैट जिसको कहते हैं। खत्म करें इनिंग्स, शुरुआत तो बहुत शानदार हुई है छह रनों के साथ। वाह मजा आ गया, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारना कोई आसान बात नहीं है, मगर जिस तरीके के तरीके से नमन ओझा ने बल्ला घुमाया मजा आ गया देख के। एक और ले लीजिए, ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और जब गेंद इनके पाले में रहती है ना ये उस पे बिल्कुल नीचे से बल्ला लेके जाते हैं और बहुत शानदार तरीके से डिस्टेंस प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, टाइमिंग और ताकत दोनों। रॉबिन बनना चाहते हैं नहीं, क्योंकि ओएस ने तो आपको रॉबिन बना दिया है। एक और शानदार शॉट, ये आज सिर्फ बाउंड्रीज और छक्कों में डील करेंगे नमन ओझा। 195 पर स्कोर आ गया है इस छक्के से, फिर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के ऊपर बहुत ही अच्छा शॉट मारा जोनाथन ट्रॉट। नहीं भैया आपसे नहीं रुकेगी ये गेंद, सामने की तरफ गेंद जाएगी तो बल्ला घुमाएंगे, पर शानदार कैच। इमरान ताहिर की सेलिब्रेशन अभी तक देखने को मिली नहीं है, कल एक रनआउट किया और एक आज, बेहतरीन कैच। और कप्तान सैमी बहुत खुश, और यूसुफ पठान इसलिए अंदर आए हैं क्योंकि एक शानदार इनिंग्स के बाद नमन ओझा का एक अच्छा कैच आउटफील्ड में लेते हुए इमरान ताहिर। यूसुफ पठान के लिए पहली गेंद बहुत ऊंची गई है, खिलाड़ी डीप में मौजूद नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं, एक ही गेंद काफी है यूसुफ पठान के लिए अथॉरिटी भरा शॉट लगाने के लिए। छह रन के साथ इंडिया महाराजास के 20 रन की समाप्ति होती हुई और स्कोर 209 बोर्ड पर।